नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाए और सार्वजनिक तौर पर की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। और चूंकि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक तौर पर ही ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, इस वजह से इन्हें सामान्य स्तर पर मानना चाहिए और चंद्र राशि के आधार पर इन्हें देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप यहां पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अच्छी बात यह है कि मेष राशि के लिए यहां पर शुभ समाचार, शुभ संदेश, शुभ संकेत, इसके योग मुझे नजर आते हैं। अब सीधी सी बात है कि शुभ समाचार या शुभ संकेत, शुभ संदेश किन स्थितियों में मिल सकता है? भाई आप नौकरी लगना चाहते हैं, इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो हो सकता है वहां से कोई शुभ समाचार आपको मिले। विवाह के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, कि जो भी, देखिए जिस लायक आप हैं, जिस शुभ समाचार या शुभ संकेत आपकी प्रतीक्षा में है, कोई नया कार्य, कोई कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है इस प्रकार का कोई शुभ संकेत या शुभ समाचार मिले। और सीधी सी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आपको सफलता मिले, आपको उन्नति मिले, आप जो हैं वो बहुत आगे बढ़े, स्मूथ वे जिसको कहते हैं, आसान रास्ता आपके लिए यहां पर बने, ऐसा मुझे दिखता है। एक और अच्छी बात यहां पर मुझे ये दिखी है कि सलाह, इस समय आपको सलाह लेनी चाहिए, किसी न किसी से किसी प्रकार की सलाह बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकती है। अब देखा, देखिए मैंने कहा किसी ना किसी से, अब ऑब्वियसली उन लोगों से तो नहीं लेना है जो हमें पसंद नहीं करते हैं, लेना उन लोगों से है जो हमारी उन्नति में खुद की उन्नति देखते हैं। हाँ, ऐसे में हमारे अच्छे घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, कई बार अंकल आंटी, कई बार मामा नाना नानी, कई बार के नाना नानी तो हमेशा ही होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, या फिर माता पिता तो खैर ही, भाई बहन, तो पत्नी पति, तो यहां पर सलाह आपको बहुत ज्यादा काम करने वाली है। सलाह लीजिए और उस आधार पर आप आगे बढ़िए। मैं यहां पर पाता हूं कि आपको जरूर से सफलता देखने को मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए
निसंदेह अच्छा है, उन्नति कारक है और स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं तकलीफें या परेशानी चल रही थी तो वो भी यहां पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। ओवरऑल मेष राशि के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे और वृषभ राशि के लिए भी लगभग ऐसा ही वक्त जैसा मैंने मेष राशि के लिए डिस्क्राइब किया। सुख यहां पर आपको मिलने वाला है। अब शारीरिक सुख भी हो सकता है, मानसिक सुख भी हो सकता है। जब हम सफल होते हैं, जब हमें वो चीज मिल जाती है जो हम चाहते हैं, तो मानसिक सुख हमें मिलता है। हाँ, तो शारीरिक मानसिक दोनों ही प्रकार से, मुझे भौतिकता की बात करें तो भौतिक सुख भी मुझे यहां पर मिलता हुआ आपके लिए नजर आता है। एक अच्छी बात मुझे यहां पर यह दिखती है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग ये भी मुझे आपके घर परिवार में बनते हुए नजर आते हैं। और अच्छी बात यह है कि यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं या खुद मकान खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप खुद या तो इच्छुक हैं, खुद लायक हैं, या फिर आपके घर परिवार में कोई इच्छुक या लायक हैं, तो वहां पर मुझे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग दिखते हैं। और निश्चित तौर पर इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि घर में खुशी होगी, उत्साह होगा, हर्ष होगा और गेट टुगेदर होगा, पारिवारिक मिलाप होगा। और इस पारिवारिक मिलाप की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। तो ये बात भी मुझे यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग भी हैं और यात्राएं आपको निसंदेह सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में निसंदेह आपको जो है वो आप जरूर से सफलता देखने को मिलेगी। अब वो उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। कई बार हम नौकरी, व्यवसाय, धन, आर्थिक उद्देश्यों से यात्राएं करते हैं, कई बार हम पढ़ाई के उद्देश्य से, स्वास्थ्य के उद्देश्य से, पारिवारिक उद्देश्य से, जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उन यात्राओं में या उन उद्देश्यों में आपको सफलता देखने को जरूर मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। वृषभ राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा, बहुत शानदार जा रहा है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि अगेन, जैसा मेष के लिए कहा, वृषभ के लिए कहा, आपके लिए भी खुशखबर है। यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि, उत्साह में वृद्धि, पद में उन्नति यानी पदोन्नति। व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिले। पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक आपको मिले। और मिथुन राशि के लिए मैं ये देख पा रहा हूं कि जो उद्देश्य है आपका, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिले, उन उद्देश्यों में आपको पूर्ति, उद्देश्यों की पूर्ति हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर मिथुन राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, यदि आप ये खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो भी मुझे जो है वो आपकी यहां पर उन्नति दिखती है। अच्छा, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, यदि आप धन लगाना चाहते हैं,
तो जरूर से आपको इसका लाभ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये अगेन एक बहुत अच्छी बात है। ऑल मिथुन राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के लिए मैंने बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोला। कर्क राशि के लिए कहूंगा थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। कार्यों में आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। जो भी आप कार्य करते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से यहां पर हम बात कर सकते हैं, आप नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य के उद्देश्य से भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ना डीले या रुकावट जरूर से देखने को यहां पर मिल सकती है। ये एक बात जरूर मुझे यहां पर दिखी है। एक और सावधानी बरतने की बात वो ये कि यदि आप खुद लंबी दूरी का ट्रेवल करना चाह रहे हैं, खुद कहीं व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो वाहन से कष्ट या यातायात से कष्ट मुझे कर्क राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो मेरा सीधे तौर पर कहना आपके लिए बनेगा, यदि आपकी राशि कर्क है तो, कि यातायात नियमों का पालन करें। और मैं देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हम हर किसी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना, सबको करना चाहिए। लेकिन होता ना, कई बार हम जुआ खेलते हैं और जीत जाते हैं। भाई किसी ने जुआ खेला और वो जीत गया, और यदि वो जीत गया तो उसे लगता है कि भाई ठीक है, जुआ तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई वही बात हो गई, यातायात के नियमों का पालन न करना जुआ खेलना है। यदि आप बिना पालन किए चल रहे हैं तो आप निसंदेह जो है, यदि जीत गए तो आप निसंदेह ऐसा ना समझें कि आगे भी हम जीतेंगे, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि के लिए कहूंगा कि स्थिति अच्छी है, आर्थिक उन्नति के योग मुझे यहां पर दिखते हैं, आर्थिक संपन्नता के योग मुझे दिखते हैं, आर्थिक आपको लाभ मिले ऐसे योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं। हाँ, रुकावटें कार्यों में जरूर आ सकती है, डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, जैसा मैंने पहले भी कहा, देरी हो सकती है, रुकावटें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि फेल हो जाएंगे, असफल हो, मैंने असफलता की बात नहीं की, मैंने रुकावटों और देरी की बात की। तो यदि रास्ते में चल रहे हैं और गड्ढे आ रहे हैं या फिर कांटे आ रहे हैं या फिर चढ़ाव आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, किसी का आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन आप मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं, बस क्या करना है, लगे रहना है, बस लगे रहिए, मेहनत करते चलिए, आपकी उन्नति, आपकी सफलता मुझे यहां पर दिखती है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि सहयोग यहां पर आपको किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से जरूर से देखने को मिल जाएगा, किसी का सहयोग आपको मिलेगा, सलाह लेकर के अवश्य काम करें, किसी की सलाह लेकर के काम करें। अच्छा, किसी की का मतलब ये कि जो आपसे प्रेम रखते हैं, हाँ, हर किसी के नहीं, जो सचमुच में आपकी उन्नति में खुद की उन्नति समझते हैं, आपकी अवनति में खुद की अवनति समझते हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए, हर किसी से सलाह लेना भी नहीं चाहिए। और यदि हम सलाह उनसे ले रहे हैं जो उस क्षेत्र के विद्वान हैं, हाँ, उन लोगों से भी सलाह ली जा सकती है जो उस क्षेत्र के विद्वान हैं, भले हमसे उनका कोई ताल्लुकात ना हो, लेकिन उस क्षेत्र के विद्वान हैं, तो सलाह जरूर लेना चाहिए, लेकिन काम तो अपने मन का ही करना चाहिए ऐसी जगह। तो सलाह लेकर के आप काम करें, फिर आपका मन जो बोलता है वो करें, लेकिन हाँ, जो आपकी उन्नति में, खुद की उन्नति समझते हैं, उनकी बात तो जरूर आप माने। सहयोग भी मिलने वाला है, सलाह से आपको यहां पर लाभ भी मिलने वाला है। खर्चे के योग मुझे यहां पर जरूर दिखते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतने की आपको जरूरत है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए,
शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है। ओवरऑल सिंह राशि के लिए थोड़ा सा ना उतार चढ़ाव से भरा हुआ वक्त हो सकता है। अच्छा, आय जरूर खर्चे होंगे लेकिन आय भी होगी, तो आय को लेकर के चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मतभेद यहां पर आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। अपने मतभेदों पर जरा संयम बरतने का प्रयास करें, वाद विवादों पर जरा संयम बरतने का प्रयास करें, क्रोध पर जरा संयम बरतने का प्रयास करें। खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर भी संयम बरतने का प्रयास करें। लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहां पर यह भी दिखती है कि यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है, मुझे बहुत पहले से बेहतर दिखता है। यदि कहीं एग्जाम दे करके आ रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, वो किसी प्रकार की पढ़ाई हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रमोशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी नौकरी करते हैं प्रमोशन चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करते करते पढ़ाई, मुझे यहाँ पर आपकी सफलता जरूर से दिखती है। तो स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है, बहुत उन्नतिकारक दिखता है, बहुत सफलता दिलवाने वाला दिखता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। आय होगी, हाँ खर्च मैंने कहा होंगे, अपव्यय होगा, फिजूल खर्च होगा, लेकिन आय भी होगी, तो चिंता न करें। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूं तो अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना पड़ेगा, खर्चों पर आप ध्यान दें, फिजूल खर्च यहां पर हो सकता है, यहां तक मैं कहूंगा कि निवेश करने से पहले भी सोचें। हो सकता है आपने धन लगाया शेयर मार्केट में, किसी को पैसा उधार दिया, किसी भी प्रकार के निवेश करने से पहले आपको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर लॉस हो सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट की सलाह इस सप्ताह मैं आपको नहीं दूंगा यदि आपकी राशि तुला है तो। यात्राएं करने के बारे में आप सोच सकते हैं, यात्राएं आप कर भी सकते हैं, और यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। केवल यह ध्यान रखें खर्च ज्यादा ना हो जाए, बस एक बात को ध्यान रखना है, बाकी यात्राएं आप जरूर से कर सकते हैं और योग भी है यात्राओं के। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आता है आपके घर परिवार में, और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होता है तो पारिवारिक स्थिति जो है वो बड़ी बड़ी खुशनुमा हो जाती है, व्यस्त भी हो जाती है, मस्त भी हो जाती है, मतलब कि एक दूसरे से इतने ज्यादा बॉन्डिंग हो जाते हैं कि कभी कभी तो एक दूसरे के इशारे भी जो है वो समझ में आने लगते हैं, दूर से किए गए इशारे, आंखों के इशारे समझ में आते हैं, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, लेकिन व्यस्तता इतनी हो जाती है कि ध्यान रख पाना खुद का भी और अपनों का भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर जो भी है, अब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे दिखते हैं, तो पारिवारिक स्थिति जो है आपकी बेहतर होगी, खर्च यहां पर आपका ज्यादा हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं, आय होगी, आय इनकम होगी। देखिए खर्च में कह रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि इनकम नहीं होगी, इनकम जरूर होगी, निश्चिंत रहे। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नया विचार आपके मन में आ सकता है,
नई नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नए प्लान पर आप चल सकते हैं, और नए प्लान पर नई योजनाओं पर चलने के बाद में आपको लाभ भी होगा। तो क्या समझे, समझे ये कि ये वक्त जो है अच्छी अच्छे अच्छी सोच का है, योजनाएं बनाने का है, डिसीजन मेकिंग का है, मतलब निर्णय लेने का है, और निसंदेह फिर उसके बाद में उन सब पर चलने का भी है। फिर चलेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तभी तो ना सक्सेसफुल हो पाए। तो मैं तो कहूंगा कि आप जो हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आप जमीन पर भी उतारिए और उन पर अच्छे से वर्क करिए, उन पर अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से रिसर्च करिए और बिल्कुल लग जाइए। एक बात यहां पर मैं कहूंगा कि अपने व्यापार, यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, तो उसको लेकर के चिंताएं आपको जरूर से सता सकती हैं। बिजनेस को लेकर के चिंताएं तो हर किसी को सताती है, तो आपको भी थोड़ी ज्यादा सता सकती है। लेकिन अच्छा, चिंताएं सता रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, नहीं। बिजनेस जो है आपका अच्छा चलेगा। इवन नौकरी की भी बात करें हम, आय की, इनकम की बात करें, तो इनकम के प्रैक्टिकली हम बात करें तो आपके लिए नौकरी, इनकम, पैसा बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है। बस चिंताएं जो है ना फिजूल की आपको सताएंगी। तो अपनी फिजूल की चिंताओं से निकलने का प्रयास करें, अदरवाइज मुझे यहां पर कोई भी समस्या आपकी बनती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपको ये वक्त कार्य की अधिकता वाला लग सकता है। आपको ये लग सकता है कि मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ रही है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, बदले में उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं दे रहा हूं या दे रही हूं, मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं। ये चीज मुझे एक नेगेटिव यहां पर दिखती है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, परिवार का आपको साथ जरूर से मिलेगा, पारिवारिक सहयोग आपको यहां पर मिलेगा, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक प्रेम। पहले कहीं परिवार में कोई टेंशन चल रहे थे, जैसे मतभेद हो रहे हों, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, या किसी का स्वास्थ्य कहीं खराब चल रहा हो, तो वो भी मुझे यहां पर ठीक अच्छा होता हुआ नजर आता है। तो वो प्रॉब्लम्स मुझे यहां पर दूर होती हुई, खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक अच्छी बात है। खास तौर पर संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर आपको मिले ऐसा भी मुझे दिखता है, तो ये एक और अच्छी बात है। घर में मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग हो, घर परिवार में आप मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग को एंजॉय करें, और निसंदेह आप उनमें शामिल हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए धनु राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो धनु राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिकली ठीक है, मेहनत ज्यादा करो, थोड़ा सा आपको कम मिले, ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन आज की मेहनत हो सकता है ना कल भी जाकर के रंग लाए, तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है हमारे सामने। तो ज्यादा चिंता ना करें और मेहनत करें, भविष्य को लेकर के बहुत चिंता करने की बात जरूरत नहीं है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं,
नए रास्ते पर आप चल सकते हैं, और नए रास्ते पर आप चलेंगे, और एक अच्छी बात कि उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन एक ध्यान देने की बात, ये कि जब भी हम नए रास्ते पर चलते हैं तो व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव, प्रेशर, दबाव, टेंशन, ये तो जरूर से बनता है। भाई कौन ऐसा है जो नए रास्ते पर चल रहा है और उसे खुद का आंतरिक तनाव और फिर बाह्य तनाव, बाहर से तनाव जो हमारे परिवार के द्वारा दिया जाता है, कई बार रिश्तेदारों के द्वारा, कई बार दूसरे लोगों के द्वारा जिन्हें हम जानते भी नहीं है, तो किसे नहीं बना ऐसा तनाव? तो भाई आपके लिए भी यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। देखिए कोई भी हो, इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी हो जो भी नए रास्ते पर चला है वो परेशान हुआ है शुरुआत में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सक्सेस भी नहीं हुआ है। हाँ बीच में अब रुक गए हैं, बैठ गए हैं, हार मान गए, बात अलग है, लेकिन जो चलते रहे सक्सेस भी हुए हैं यदि आपकी किस्मत में है तो। तो मैं यहां पर आपके लिए मकर राशि के लिए यही देख रहा हूं कि नए रास्ते पर यदि आप चलते हैं, लगे रहते हैं, तो मुझे आपकी सक्सेस भी यहां पर दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकली मुझे कोई नुकसान नहीं दिखता है आपके आपके जीवन में आर्थिक स्थिति का, और पारिवारिक तौर पर भी यह वक्त मुझे अच्छा दिखता है, पारिवारिक सौहार्दों को बढ़ाने वाला दिखता है, पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने वाला। तो मकर राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, तनाव फिजूल के तनाव को छोड़ दीजिए बस, बाकी बहुत अच्छा। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अच्छा एक बात तो यहां पर रिपीट कर देता, मकर राशि के लिए जो मैंने कहा वही कुंभ राशि के लिए एक बात मैं रिपीट करूंगा, व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव आपको यहां पर जो है वो सता सकता है। अब जब मैं व्यर्थ कह रहा हूं, सीधा सा मतलब यह है कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए, क्योंकि मुझे यहां पर आपकी सफलताएं भी दिखती हैं, इसीलिए तो ना मैंने व्यर्थ कहा। केयर करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, लेकिन तनाव नहीं पालना चाहिए, मेहनत करिए और सफल बनिए। खर्च यहाँ पर खर्च हो सकता है, खर्चों पर जरा संयम बरतने की जरूरत है, यातायात के नियमों को पालन करने की, फॉलो करने की जरूर जरूरत है, लेकिन इसके अलावे यदि हम बात करें आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की, आपके प्रोफेशन की, तो इस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि आपकी उन्नति के योग हैं, सफलता के योग। और यदि हम बात कर लें आपकी पढ़ाई की, यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, सफलता है, उन्नति है, खुशी है, उत्साह है, स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं। अब रिजल्ट के पहले तो टेंशन रहता है, लेकिन मैंने कहा ना व्यर्थ का तनाव, उसके बाद फिर उत्साह है, तो और क्या चाहिए। चलिए कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना होगा, नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से, या पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार कहीं दूर हो गए थे तो उनसे, अब इसे एक तरह से और आप ले सकते हैं, मैं कह रहा हूं नए रिश्तेदारों से मिलना होगा, तो इसे यह मान सकते हैं यदि आपके या आपके घर या परिवार में किसी के भी कोई भी विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, या खुद विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक है, तो मित्र मिलन भी हो गया और रिश्तेदारों का बनना भी हो गया, तो सीधी बात है विवाह तय हो जाए, ऐसे योग, ऐसे संयोग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं।
पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंग भी यहां पर बन सकता है, प्रेम प्रसंग बनने के योग भी मुझे दिखते हैं। एक अच्छी बात ये कि यदि कहीं लंबे वक्त से आप मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन इसमें चल रहे थे, तो वो भी मुझे यहां पर खत्म होता हुआ नजर आता है, जीत होती हुई नजर आती है। ये वक्त आपके शेयर मार्केट में या रिस्की इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से करते हैं तो उसके लिए निसंदेह ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय आप अपने आप भाग्य को आजमा सकते हैं, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में। पारिवारिक तौर पर भी ये वक्त अच्छा होगा और खास तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा होगा। तो ये मीन राशि के लिए मैंने बताया। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा, आपने जाना कि आपके लिए ये जो समय है, जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, 6 दिसंबर से आप 12 दिसंबर तक का ये टाइम है, ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी आप इतना पसंद करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं जब कंसल्टेशन देता हूं तब मुझे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरी कितनी इज्जत करते हैं। भाई वन टू वन जब इंटरेक्शन होता है, जब आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेते, तो मुझे समझ में आता है अच्छा इतनी इज्जत, इतना प्रेम मुझे दिया जा रहा है, बड़ा बहुत अच्छा लगता है प्रेम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी प्रभु से प्रार्थना कि बड़े उन्नति आपकी हो, बहुत आगे बढ़े आप और जीतें, खुश रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।